सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। माय नेम इज जिमी। और यार ब्लैक एडम का ट्रेलर आने के बाद सिर्फ ब्लैक एडम का ही बोलबाला है। हाँ, वो बात अलग है कि उसने कॉपीराइट पहुंचा दिया था मेरे पास उसके ब्रेकडाउन में। हाँ, लेकिन इधर मार्वल में थॉर लव एंड थंडर का भी ट्रेलर आ गया है, तो इससे अच्छा वक्त क्या ही होगा दोनों की बैटल कराने के लिए। और बैटल शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। हाँ, तो पहले बात करते हैं पावर की। तो थोर सन ऑफ ओडिन है और द किंग ऑफ एसगार्ड भी, और उसके पास अपना एक मैजिकल हैमर है म्योनेर, जो कि उसको अपनी पावर भी देता है। म्योनेर थंडर लाइटनिंग वेदर इन सब को कंट्रोल भी कर सकता है, और हैमर थोर को उड़ा भी सकता है। और इतना पावरफुल हैमर को लिफ्ट करने के लिए वर्दीनेस भी होनी चाहिए, जो कि थोर के अलावा काफी कम लोगों में पाई जाती है। और अगर आपको किसी कारण ये नहीं पता कि ये म्योनेर कितना पावरफुल है, तो एक बार कॉमिक्स में इसने अपने एक ही बार से एक प्लेनेट को बर्बाद कर दिया था। और इन सारी चीजों के अलावा हमारे थोर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और हीलिंग भी, जिससे वो कितना ही घायल हो ठीक हो सकता है। और भी कई सारी पावर है। और थोर अपने हैमर के अलावा भी काफी ज्यादा पावरफुल है। उसे लाइटनिंग कंट्रोल या फिर जनरेट करने के लिए हैमर की जरूरत नहीं है, वो अपनी बॉडी से ही लाइटनिंग जनरेट भी कर सकता है। और कॉमिक्स में तो थोर के पास ओडिन फोर्स भी है, जो की काफी पावरफुल मैजिक है। और इन सब के अलावा थोर के पास एक स्टॉर्म ब्रेकर भी है, जो की हमने पहली बार इन्फिनिटी वॉर में देखी थी। हाँ, वही जिसने 6 इन्फिनिटी स्टोन को बीट कर दिया था और थैनोस को लगभग मार ही दिया था। तो यार ये तो हो गई थोर की पावर्स की बात। अब बात करते हैं ब्लैक एडम की पावर्स की। हाँ, तो ब्लैक एडम एक एंशियंट इजिप्शियन एंटी हीरो है, जो कि अब सबसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सहा भी है, जिससे वो विलन ही बन चुका है। ब्लैक एडम काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसे पावर मिलती है इजिप्शियन गॉड्स से, वैसे ही जैसे बिली को मिली थी शज़ाम मूवी में। लेकिन हम बात कर रहे थे पावर्स की। हाँ, तो उसके पास है 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर, जो कि कम नहीं होती। हाँ, तो उसकी पावर शुरू होती है शज़ाम बोलने से, और शज़ाम बोलने के बाद वो बन जाता है ब्लैक एडम। और ब्लैक एडम बनने के बाद उसमें इतनी पावर आ जाती है कि यूं सोच लो कि पूरी जस्टिस ऑफ सोसाइटी मिलकर भी उसे नहीं हरा पाती। और वो बिना खाए, बिना सांस लिए, बिना पानी पिए वो कई सालों तक जिंदा रह सकता है। और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, हीलिंग, लाइटनिंग कंट्रोल, वेदर कंट्रोल और भी कई सारी पावर, और मिस्टिक आर्ट की पावर तो है ही। तो इतनी सारी पावर जानने के बाद चलिए कूदते हैं इन दोनों की बैटल में। हाँ, तो अगर दोनों की फाइट हो तो कोई भी जल्दी तो हारेगा नहीं, क्योंकि दोनों के ही पास लगभग सेम पावर है, बस एक दो पावर का फर्क है। जैसे कि ब्लैक एडम के पास मैजिक की पावर है, तो थोर के पास एंचेंटमेंट है अपने ऊपर। और अगर ब्लैक एडम मैजिकल पावर करता है तो थोर पर कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वो एक गॉड लाइक कैरेक्टर है। लेकिन इनकी फाइट अच्छी चलने के बाद भी एंड द एंड थोर हार ही जाएगा, क्योंकि थोर की सबसे बड़ी दिक्कत है वो अपने विलन को बहुत जल्दी अंडर एस्टिमेट कर देता है। और अगर उसने ऐसा ब्लैक एडम के साथ किया तो ब्लैक एडम उसे छोड़ने नहीं वाला, वो तुरंत ही उसे मार देगा। लेकिन हाँ, थोर को मारना इतना भी आसान नहीं है। थोर अगर अपने फुल फॉर्म में आ जाए तो ब्लैक एडम को तो आराम से ही हरा सकता है। और मेरी बात सुनो, ये फाइट कोई ऑफिशियल फाइट नहीं थी, ये बस मेरे हिसाब से मैंने इसे ही रख दी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।